हाँ, अभी मैंने हाउस टूर की वीडियो का इंट्रो किया है और यहीं से वीडियो का स्टार्ट ले रही हूँ। न्यू वीडियो हम लोग बाहर जा रहे हैं और मुझे एक शॉप का पता लगा जो कि हमारा राजपूत से पता चला है। आप लोग सब उन्हें जानते हैं, बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं और वो भी सऊदी लाइफ दिखाती हैं। तो उन्होंने मुझे एक शॉप का उन्होंने वीडियो बनाई थी, तो इंशाल्लाह आज मैं वो भी बनाऊँगी। 1.25 हलाला करके शॉप है, वहाँ पर वो नेट पर बहुत ज़्यादा वायरल है। मुझे उसकी लोकेशन नहीं पता था, लेकिन आज मैं जाऊंगी और आप लोगों को लोकेशन भी बताऊंगी कि जद्दा में वो कहाँ है और कैसे यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, कैसा है। तो वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलूंगी आपसे टॉप पे जहाँ जहाँ जाती हूँ। आज वीकेंड है तो क्या करती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। काम चेक करें आप, ये कहाँ बैठे हुए? ये मैं गाड़ी के ऊपर बैठ गई, आप अंदर जाए, मैं गाड़ी के ऊपर बैठ के आऊंगी। उड़ जाएंगे? उड़ कैसे जाऊंगा, मैं तो इसको पकड़ के रखूंगा। जी नहीं, आपको नेशनल डे की अभी तक वाइब नहीं गई? अरे नेशनल डे की वाइब नहीं गई अभी तक? ये बच्चे भी यहाँ बैठे हुए। इस शॉप का नाम है केसल बरका, मीन बरकत वाली थैली या बरकत वाले शॉपिंग बैग। तो जी हम यहाँ आ चुके हैं, यहाँ आपको हर चीज़ 1.25 रियाल की मिलेगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये शीशे वाली प्लेट्स मुझे अच्छी लगी थी। एक प्लेट आपको 1.25 रियाल हलाले की मिलेगी और यहाँ पर इतनी सस्ती चीज़ यहाँ से मिल रही है आपको। ये प्लेट शीशे की है तो अच्छी थी, मुझे ये अच्छा लगा। और यहाँ पर मिरर वगैरह भी पड़े हुए थे, बच्चों के टॉयज जो वो लेते हैं और तोड़ देते हैं वो वाला हाल है, तो यहाँ अच्छे मिल रहे थे। ये मुझे जो सर्विंग प्लेट मीन हम जो मसाला वगैरह वीडियो में यूज़ करते हैं उसके लिए प्लेट अच्छी लगी थी। थोड़ा बहुत सामान मैंने आप लोगों को दिखा दिया, बहुत बड़ी शॉप नहीं है लेकिन हाँ बच्चों के लिए अच्छी थी। ये देखिए पेन बहुत अच्छे थे, मैं चेक करी थी अगर मुझे कोई अच्छा लगे मैं ले लूँ, लेकिन नहीं, मेरे हिसाब से कोई यहाँ पेन नहीं था क्योंकि बच्चों के करेक्टर के थे, इस वजह से मैंने नहीं बाय किया। बाकी ये शॉप अच्छी है, बुक्स वगैरह रफ कॉपी जो आप बच्चे यूज़ करते हैं वो यहाँ से आप ले सकते हैं। 1 रियाल की आपको मिल जाएगी, 1.25 हलाले की। तो जी हाँ, अमल यहाँ पे मेरे पास आ गई कि आप मुझे लेके जाएं। तो हम अब जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, वहाँ पे बच्चों के टॉयज वगैरह हैं। और ऊपर से जाते हुए मैंने आपको ऊपर से विजिट भी दे दिया नीचे का। और यहाँ पे फॉयल बैलून भी पड़े हुए थे तो मैं उन्हें चेक कर रही थी अगर कोई अच्छा है, तो वो मैंने एक ले लिया है। किस काम के लिए लिया मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी कुछ मुझे इतना समझ में नहीं आया कि क्या लूँ, कि बच्चों ने अपने टॉयज ले लिए जो कि उन्होंने आते ही तोड़ दिए थे ये था, लेकिन ये है कि बच्चे हैप्पी हो गए थोड़ा बहुत। तो इन्होंने हमें और भी टॉयज लेके देने पड़े बाहर से, और इस वजह से हमने बाहर से भी लेके दिए। और ये स्टिकर्स वगैरह, ये ग्लास पर्दे ग्लास जैसे होते हैं, और यहाँ पे पेंटिंग वगैरह का भी सामान पड़ा हुआ है। ऊपर ज़्यादातर बच्चों के ही हैं, ये बबल्स वाला भी 1.25 रियाल का है। यहाँ पे बेतहाशा डॉल्स वगैरह ये पैदल वाले बहुत हैं। यहाँ मोमल ग्लासेस लगा के चेक कर रही हैं, बीच में मोहम्मद मुझे अरहम बता रहे हैं कि मैंने ये लिया मैंने ये लिया, और मोमल भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। उनको कोई नहीं पता कि क्या क्या है, यूज़ कर रही थी और फिर रख रही थी। लिया इन्होंने भी कुछ नहीं था, एक दो टॉयज लिए थे बस। और यहाँ पर मैंने कहा चलें आप लोगों को सारा ही थोड़ा सा थोड़ा विजिट करा दूँ, आई हूँ तो आप लोगों को विजिट कराती जाऊँ, ताकि आप लोग अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के ऊपर वाला जो पोर्शन है वो बच्चों के लिए, यहाँ अमल ने भी ग्लासेस लगाए हुए हैं, पूरी शॉप में ग्लासेस लगा के फिर रही थी। और ये ओनो की जिसको याद है जो हम स्कूल लाइफ में पहनते, तो ये हैं इसको क्या कहते हैं, बंटे पंजाब में कंचे क्या कहते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोग इसे प्ले करते हैं। और हाँ तो ऊपर वाले पोर्शन में अगर मैं आपको बताती जाऊँ तो ऊपर बच्चों के टॉयज वगैरह ही हैं, नीचे ये प्लेट्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने मामा को भी दिखाई, मामा ये देखें। तो ये व्लॉग छोटा सा ही है क्योंकि मैं इस व्लॉग में ऐड नहीं करना चाहती थी, अलग से आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो देना चाहती थी क्योंकि ये आजकल वायरल है नेट पर बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चले हम भी चेक करते हैं कि क्या क्या मिलता है, क्योंकि रियाज की 1 रियाल शॉप मैंने सुना हुआ वो अच्छी है, लेकिन जद्दा में आज तक कोई नहीं है। अगर है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसका भी विजिट करूंगी आप लोगों के लिए और वीडियो भी शूट करूंगी इंशाल्लाह। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।